गणेश मंदिर। अभी तो बहुत आगे हैं मेले में, ये जो उड़ती है ना ये मस्त लगती है पूरा। चलो कोई बात नहीं, जैसे एक एक खिला दो भगवान, जरा सा थोड़ा सा दे दो भगवान का, मैं मना नहीं करूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत, आपकी दुकान बहुत अच्छी चले। मैं भी लगाने की सोच रहा था उधर गुटके की, पर इतनी भीड़ है ना, मतलब एक जने से तो नहीं संभले। और उधर अभी गाड़ी वाड़ी तोड़ दी लोगों ने, हमारे चाचा पापा जाने लग रहे हैं। हाँ उधर गाड़ी तोड़ दी, मैं आगे आ गया, किसी ने बोला गाड़ी तोड़ो, तोड़ दी भीड़ ने। हाँ इस बार ज्यादा हुई है भीड़, 3 साल से हुआ बहुत भयंकर भीड़। डिग्गी की यात्रा में इतनी भीड़ नहीं देखी कुछ। देखा है क्या, जाए मंदिर, जाए मंदिर यहाँ। ठीक है भाई, मेरे को लड्डू खिलाया गया फ्री में लड्डू खाया मैंने। गणेश जी महाराज की जय हो भाई, गणेश जी महाराज मेरे भी दिन सुधार दो, थोड़ी मेरी हेल्थ सही हो जाए ना बस। उपाड़ी जी देखो कितना मस्त हो रहा है, छोटा पैराशूट छोटा। यार हो सकता है मेरी आवाज़ नहीं आया ना, बहुत शोर है। अरे वाह यार भाई, कितने सारे बबली बबल हैं एकदम। ये रहा पैराशूट भाई, सेट है रहा है यहाँ पे तो। यार मैं ना थोड़ा अच्छे से नहीं कर पा रहा व्लॉगिंग, लोग ना हाथ मार रहे हैं, हाथ समझ रहे हो ना, हाथ बाहर निकाल रहा हूँ, हाथ मार रहे हैं, गिराने में हो रहे हैं। रफ है मंदिर, पहले वाले व्लॉग में देखा था ना कितना चल ही रहा था, मैं आया ही था, पुलिस वुलिस पूरी व्यवस्था है यहाँ पे तो फुल। आगे से है लाइन है तो, यहाँ तो पुलिस बैठी है सिर्फ, वही नंबर ही नहीं आता, 4-4, 5-5 घंटे एक लाइन नहीं है, 25 लाइन की क्यू है, 25 लाइन है अलग अलग, और 4 दरवाजे हैं, झंडे, आंखें दुख रही भाई मेरी तो यार। यहाँ से लाइन चालू हुई, भाई यहाँ तो कोई स्कोप नहीं है दर्शन का, यहाँ से लग रही लाइन है तुम्हें बता। ये लाइन अभी तो 1 किलोमीटर अंदर है मंदिर, देख लो लाइन यहाँ से तो सिर्फ ऐसी लाइन है, आगे से मेन जो एकदम सिस्टमेटिक सी हो जाती है ना, डंडे लगा के बनाई हुई है। उतार दीजिए मंदिर में, अधिक समय न लगाए। आनंद महाराज की भाई उत्साह है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यहाँ पे भीड़ में तो, कभी क्या हल्ला कभी क्या हल्ला। बड़ी हिम्मत चाहिए भाई, बहुत क्राउड है।
ये है देखो, ये लाइन यहाँ से उस साइड घूम रही है, अंदर है मंदिर, और जितनी इधर है उतनी उधर भी है। हेलो हाय, भाई एकदम जबरदस्त भीड़ भाई साहब। यार बिट्टू घूम गया भाई, बहुत भाई कहाँ तक बिट्टू यादव का रहने वाला मेरी आवाज सुन रहा है, तो जहाँ चप्पल खोली थी वहाँ पहुँच जाए, उनकी माता जी इंतजार कर। जब आपकी मम्मी ने बोला दोनों भाई चले तो जाओ, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहना, हाथ ना छोड़ेंगे साथ ना छोड़ेंगे। भाई अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि लोग ना मार रहे हैं मेरे हाथ पे फोन गिराने के लिए, इस वजह से थोड़े होते हैं ना लौंडे, मस्ती खोर होते हैं ना यार, इस वजह से। अरे फोन चला गया, फोन गिर गया तो सब कुछ ही गया, भारी नुकसान। जा भी रहे लोग अपने अपने गांव, अपने अपने गांव। सबसे बढ़िया जो होती है ना यहाँ पे वो थी पाव भाजी, पाव भाजी खाओ, वो देखो वो ठेले लग रहे ना। सबसे बेस्ट होता है पंडित का पाव भाजी भाई, कितना ही घर पे बना लो जो स्वाद आता है ना इनके हाथों में वो नहीं है अपने हाथों में। चकरी लाइटें वाली बॉल कितने की है आंटी, मैं तो क्या करूँगा लेके, पर बढ़िया है, पहले पहले लेते थे बचपन में खूब लेते थे, अब भाई वगैरह है ही नहीं, बड़े ही हैं सब घर में, जरूर ले। हेलो आंटी, अरे आप खेल लेना घर पे बैठ के रात में, देखा आंटी ये खेलने की उम्र नहीं है। ये पाव भाजी है ना ये बहुत फेमस है सारी, मतलब एक पुराना पंडित था जिसकी पाव भाजी बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, तो अब सब लोगों ने उसी के नाम से बना दिया, रियल पंडित, रियल पंडित मैं हूँ, पंडित पाव भाजी। कौन खा रहा है रात के 2 बजे पाव भाजी, खा ही रहे जनता। भीड़ तो देख ही लिया भाई तुमने, हर लड़के ने मेरा हाथ मार के और ये तोड़ दिया मेरा ट्राईपॉड। ढंग से काम नहीं कर रहा है, डर लग रहा है मेरे को गिर जाएगा। देखो बर्थडे किसी का भी हो, कुछ भी किसी का भी हो, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन मुरली वाले की जय, कृष्ण जी भैया मेन है, सब सब चीज़ों में मेन है वो। भाई देखो वैम्पायर, क्या हो रहा है यार, अलग ही माहौल है भाई, अलग ही नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट लेवल ड्रामे बाजी। भाई मेरी कमर दुख गई रात के 2 बजे,
रात के 2 बजे आदत नहीं है ना बॉडी को चलने की। अभी इधर थोड़ा सा ठीक है, मैं सही से कर सकता हूँ। उधर क्या बहुत भीड़ है यार, माहौल अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मैं मंदिर से 2 किलोमीटर पहले हूँ, मेरा घर 2 किलोमीटर पहले है, पर यहाँ पे भी मतलब भीड़ ज़्यादा है, पर रोड थोड़ी चौड़ी ज़्यादा है और मतलब वो नहीं है, थोड़ा सा खाली रास्ता है। वहाँ पे तो क्या मेन रोड है ना एकदम, मतलब वहाँ पे क्या है कि दुकानें लग रही है इसलिए जगह ही नहीं है, और हाथ भी मार रहे थे लोग। मेरे को आवाज़ लगा रहा भाई, मेरे को डर लगता है ऐसे लोगों से मार मूर दे। ये थोड़ा सा ओपन एरिया है, वो भी ओपन ही है, वहाँ दुकानें लगा दी ना लोगों ने, पर ये थोड़ा सा खुला खुला है। कमर दुख गई रे यार। हाँ, और ये भीड़ भीड़ कम हो गई अब, लोग आ रहे जा रहे हैं ना, पहले ऐसा हो गया, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था, अब बढ़ता ही जाएगा। लेकिन क्या होता है कि स्लो बना रहता है ना एक, तो पता नहीं चलता कि मतलब सच में मतलब भीड़ है। उस टाइम क्या एकदम से आई ना, गांव के गांव आ गए भाई। जाया ना मंदिर की तरफ, मैं सोच रहा हूँ उस तरफ भी जाके आऊँ, उस तरफ क्या हो रहा है। उस तरफ भी है ना, मेरे को लगा जैसे कि कोई डीजे वीजे का होता है ना, ऐसे कुछ लगा रखा है। चलते हैं उस तरफ भी देख के आते हैं। लेकिन भाई 2 बजे है ना, 2 बजे 2:30 बज रहे हैं रात के, और मैं बताऊँ मेरी जो कमर पता नहीं क्यों दिख रही है यार, एकदम कमर ऐसी दर्द हो रही है भयंकर। 2 बजे चलने की आदत नहीं है ना रात को, पहले तो खूब यार मज़े करते थे, जब से ये बड़े हुए हैं ना नज़र ही लग गई ज़िंदगी को। तो अब सोएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहो। गया मैं तो उस साइड नहीं जा रहा, मैं उस साइड इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उस साइड कुछ है भी नहीं। मैं थोड़ा सा देख लिया, आधे रास्ते से देख लिया, तुम लोगों को नहीं दिखाया, उधर कुछ है ही नहीं, भीड़ ही है, भीड़ ही भीड़, क्या देखा है? मामला एकदम सेट चल रहा है, घर जा रहा हूँ तुम्हें। 3 बज गए यार, थोड़ा सोऊंगा, कल मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ले रखी है, तो कल अपन छुट्टी पे हैं, त्यौहार है मतलब आज ही, कल तो क्या, अभी घर जाके बढ़िया सोऊंगा। अरे यार बहुत नींद आ रही है, नींद आ रही है, थक गया बहुत, चल लिया 5-6 किलोमीटर चल लिया मैं रात के। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं भाई, गांव गांव से, दूर दूर से। चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कोई कंटेंट मिलेगा आपको ज़रूर दिखाया जाएगा, कल दिखाऊंगा, कल आएगा मज़ा, मतलब आज यार, कल क्या, आज और कल में कंफ्यूज हो रहा हूँ, कल आज मतलब समझ गए ना तुम लोग। हाँ दिल को करारा, कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहो, और मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा जो कल होंगी। अभी तो वहाँ वही सब हो रहा है जो हो रहा था, और वो होता रहेगा कल तक।